चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो ये क्वेश्चन पूछा था गेट 99 में, जिसकी मार्किंग है 1 मार्क। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर हैज 2 CM ब्लॉक्स व्हाइल द कैश हैज 2 C ब्लॉक्स। देन इफ द कैश यूजेस द सेट एसोसिएटिव मैपिंग स्कीम विथ 2 ब्लॉक्स पर सेट। मीन्स यहां पर हम सेट एसोसिएटिव वाले क्वेश्चन को यूज कर रहे हैं और यहां पर जो K की वैल्यू है वो हो जाएगा क्या 2 ब्लॉक्स पर सेट। देन ब्लॉक K ऑफ द मेन मेमोरी मैप्स टू द सेट, और ये मेरे पास गिवन 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट इज K mod M ऑफ द कैश, देन K mod C ऑफ द कैश, देन K mod 2C ऑफ द कैश एंड लास्ट इज K mod 2CM ऑफ द कैश। तो यहां पर हमें फाइंड आउट करना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो है कंप्यूटर हैज 2 CM ब्लॉक्स व्हाइल कैश हैज 2C ब्लॉक्स। ओके, कैश मेमोरी के अंदर 2C ब्लॉक्स हैं। देन हम जानते हैं यहां पर देख लिए सेट एसोसिएटिव मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर K की वैल्यू क्या है 2 है। देन ब्लॉक K ऑफ द मेन मेमोरी मैप्स टू द सेट, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या टोटल नंबर ऑफ सेट्स। ओके, सो यहां पर नंबर ऑफ सेट्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सेट्स इन द कैश क्या होगा, ये हम जानते हैं। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द कैश, ओके, अपॉन नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर सेट। ओके, यहां पर अगर हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स की बात करें तो क्वेश्चन में जो गिवन है कैश हैज 2C ब्लॉक्स, तो यहां पर हम लिख देते हैं 2C अपॉन नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर सेट। मींस यहां पर हम K की बात करेंगे और K की जो वैल्यू है यहां पर देखिए 2, मींस ये 2 है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग पे बेस्ड है। तो 2C अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, क्या आया C। तो नंबर ऑफ सेट्स इन द कैश आ जाएगा क्या C। लेकिन अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं है। यहां पर क्वेश्चन में ब्लॉक K ऑफ द मेन मेमोरी मैप्स टू द सेट। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ कैश, सो कैश सेट नंबर टू विच अ ब्लॉक K ऑफ द मेन मेमोरी मैप्स टू। तो यहां पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे डायरेक्ट मैपिंग के अंदर, सेट एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर, मीन्स हम टोटल मेन मेमोरी ऑफ द ब्लॉक, वहां पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे दैट इज M mod N का। तो M मीन्स हम यहां पर अगर हम M की बात करें तो M की जगह वो जो वैल्यू है वो क्या है K, ठीक है। जिस तरह से अगर हम बात करें ब्लॉक की ऑफ द मेन मेमोरी मैप्स टू, हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो था M mod N का। ओके, जहां पर जो मेरा M था ये किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग कर रहा है नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी, और N की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ सेट्स इन द कैश। ओके, तो यहां पर अगर हम M की बात करें तो M के अंदर क्या हो जाएगा, M के अंदर जो हमारी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी ब्लॉक K ऑफ द मेन मेमोरी। मीन्स यहां पर M की जगह जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा K और मॉड एज इट इज। उसके बाद जो हम यूज कर रहे हैं N, N के अंदर क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ सेट्स इन द कैश, टोटल नंबर ऑफ सेट्स इन द कैश हमने यहां पर निकाल दिया, वो क्या आ रहा है C आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो हम यूज कर रहे थे फॉर्मूला डायरेक्ट मैपिंग के अंदर, सेट एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर जो हम यूज कर रहे थे दैट इज M mod N। आप पुराने वीडियोस में देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। M mod N वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा था, जहां पर M डिनोट करता है क्या टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी और N का डिनोट करेगा। अगर हम इसको डायरेक्ट मैपिंग के टर्म में देखें तो यहां पर ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कैश, लेकिन अगर हम इसको सेट एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर देखें टोटल नंबर ऑफ सेट्स इन द कैश, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमने यहां पर निकाल लिया नंबर ऑफ सेट्स इन द कैश, वो बिलोंग करेगा किससे N से, और M क्या हो जाएगा मेरा टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देन ब्लॉक K, मींस यहां पर हम K की बात कर रहे हैं तो M की जगह हमने पुट कर दिया K और मोड एज इट इज, और जो हमने C निकाल लिया इसके लिए टोटल नंबर ऑफ सेट्स इन द कैश वो आ गया क्या C। सो द करेक्ट आंसर इज K mod C। अब यहां पर मैं ऑप्शन से चेक करूं K mod M ऑफ द कैश, ये नहीं होगा। K mod C ऑफ द कैश, यस दिस वन इज द करेक्ट। उसके बाद बाकी ऑप्शन K mod 2C, 2C की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2C की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा डायरेक्ट मैपिंग में बेस्ड होगा, हमने यहां पर सेट के फॉर्म में उसको अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर दिया था, तो ये भी नहीं होगा। और लास्ट 2CM ऑफ द कैश, ये भी मेरा आंसर गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, दैट इज K mod C ऑफ द कैश। थैंक यू।